आज हम सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत सत्ता की इन विभिन्न वर्गों द्वारा साझेदारी का अध्ययन करेंगे। पहला, सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन सरकार को कानून बदलने के लिए बाध्य करते हैं। दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि को रोकते हैं। सरकार के अंग, सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है। यानी बने कानून का उचित रूप से दोनों के द्वारा पालन हो रहा है कि नहीं, इसको देखती है। दबाव समूह, ये भी सरकार के नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये व्यवसायिक संघ होते हैं, वकीलों का संगठन होता है, यद्यपि ये राजनीतिक दल नहीं होते हैं। राजनीतिक दल ये सरकार बनाने का काम करते हैं, सरकार बनाने में प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं। उचित बहुमत नहीं रहने पर गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह, इसके अंतर्गत धार्मिक समूह और भाषाई समूह आते हैं। फिर विभिन्न स्तर की सरकारें, इसमें केंद्र स्तर की सरकार जो पूरे देश के लिए होती है, प्रांत स्तर की सरकारें, स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका और पंचायतें। सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आते हैं। विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका लागू करने का काम करती है। कार्यपालिका में एक राजनीतिक कार्यपालिका है और दूसरा अस्थाई कार्यपालिका है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, इसके अंतर्गत पूरे देश के लिए केंद्र स्तर पर सरकार होती है, जिसे संघ की सरकार कहते हैं। फिर प्रांत स्तर पर सरकारें होती है। संविधान में दोनों के अधिकारों का स्पष्ट वर्णन होता है। दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूहों पर शासन करती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। कैसे? सत्ता की साझेदारी में विभिन्न नागरिक समूहों के बीच टकराव दूर हो जाते हैं, भाषा विवाद कम हो जाता है, हिंसा की गुंजाइश कम हो जाती है, नागरिकों में कर्तव्यों का बोध पैदा होता है। गृह कार्य, सत्ता की साझेदारी का अध्यापन कार्य आज पूर्ण हो गया। SW की कॉपी पर अनिवार्य रूप से प्रश्नोत्तर तैयार कर लेंगे, इसे जांचा जाएगा। प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है।
कथन को चार उदाहरणों के साथ न्याय संगत ठहराएंगे।